अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम दो टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। नंबर वन इज़ ड्रैग एंड सेकंड इज़ एंगुलर ड्रैग। तो यहाँ पे मेरे पास एक सिंपल सीन सेटअप है विद अ क्यूब एंड विद रिजिड बॉडी कंपोनेंट। तो ये क्यूब है सिंपल और इसके ऊपर रिजिड बॉडी का कंपोनेंट जो है वो मैंने अटैच किया हुआ। तो बेसिकली ड्रैग और एंगुलर ड्रैग जो है वो रिजिड बॉडीज़ की दो प्रॉपर्टीज़ हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू है, अगर मैं यहाँ से अपनी गेम को प्ले करूँ तो आप देखेंगे कि द क्यूब हैज़ नॉर्मल रोटेशन एंड मूवमेंट। बट अगर हम यहाँ पे एंगुलर ड्रैग की वैल्यू 10 कर दें तो अब आप देखेंगे कि इसकी जो रोटेशन है वो स्लो है, मगर ग्रेविटी पे कोई इफ़ेक्ट नहीं है। देर इज़ नो अफेक्ट ऑन द ग्रेविटी ऑफ ऑब्जेक्ट बट द रोटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ स्लो। सो बेसिकली एंगुलर ड्रैग जो होता है ये किसी भी ऑब्जेक्ट रिजिड बॉडी की जो रोटेशन है उसको स्लो डाउन करने के लिए यूज़ होता है। इट इज़ यूज टू स्लो डाउन द रोटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सेकेंड थिंग इज़ ड्रैग। सो ड्रैग इज़ बेसिकली अ रेजिस्टेंस फ्राम नॉन फिज़िकल ऑब्जेक्ट्स। सो फ्राम नॉन फिज़िकल वी कैन से दैट एयर। तो एयर जो है वो एक नॉन फिज़िकल ऑब्जेक्ट है, तो उससे हमारे जो ऑब्जेक्ट के ऊपर जो रेजिस्टेंस आ सकती है उसको हम कह सकते हैं कि वो ड्रैग है। तो जितना मैक्सिमम ड्रैग होगा उतना जो ऑब्जेक्ट है वो स्लो होगा। यहाँ पे अगर ड्रैग भी इसका आप 1 कर दें तो आप देखेंगे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो स्लो डाउन होगा। विद ग्रेविटी पे भी इसका इफ़ेक्ट जो है वो होगा।